सर बाय सर आइए देर बाय टाइम लाइक लाइक टाइम हो गया सर सबसे पहले तो शो के बारे में जानना चाहिए किस तरह का था ये लाइव शो। अरे लाइव शो है, पहली बार हिंदुस्तान में एक लाइव गेम शो हो रहा है इस पैमाने पर। एक घंटे का पूरा लाइव शो है जहां पर हम लोग एक भी सेकंड प्री रिकॉर्डेड नहीं होता और उसी वक्त जैसा आप देखते हैं वैसा ही हम यहां पर परफॉर्म आज के शो के बारे में जानना चाहेंगे किस तरह का एक्सपीरियंस। आज के शो में तो बहुत ही मज़ा आ गया क्योंकि इरफान पठान और यूसुफ पठान के साथ हम लोगों ने क्रिकेट के अलावा बहुत सारे गेम्स खेले, मज़ा आया। ये दोनों जितने टैलेंटेड हैं उतने ही शैतान भी हैं, ये भी मुझे एहसास हुआ आज। एक गेम को तो मेरे ऊपर ही पलट दिया उन्होंने और मुझे इन्हें ढोकला खिलाना था और इन दोनों के बीच में सबसे बड़े ढोकलेबाज का टाइटल देना था। इन्होंने क्या किया, जब ढोकले आए सामने तो इन्होंने नहीं खाए, मेरे मुंह में सारे भर दिए तो मैं कुछ कह भी नहीं पाई और बोल भी नहीं पाई। सो ये जब लाइव शो में यही मज़ा होता है कि कोई भी गेस्ट कुछ भी कर देता है और हमें उसे ही उसी को लेकर आगे शो बढ़ाना होता है। सो यूसुफ और इरफान के साथ इतने बड़े इंटरनेशनल स्टार्स हैं, हमारे हिंदुस्तान के हार्ट थ्रॉब्स हैं, टैलेंटेड क्रिकेटर्स स्टार्स हैं, तो उन दोनों को ऐसे इस माहौल में देखकर ऑडियंस को भी मज़ा आया और मुझे तो उनके साथ ये छोटे छोटे गेम्स खेलकर बहुत ही मज़ा आया। कब कोई डर रहता है होस्ट करे देखा जाए तो, फिर कोई मिस्टेक हो जाए? लाइव शो है, लाइव शो में बहुत बड़ा डर ये होता है कि आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जो एडिट नहीं हो सकती। बाकी जो शोज होते हैं शायद ऑडियंसेस को ज़्यादा पता ना हो कि वो जो भी हम बोलते हैं उसको कभी भी कैंची लगाकर आप उसमें निकाल सकते हैं और आपके सामने जो शो आएगा उसमें वो सारी बातें नहीं होंगी। लेकिन लाइव शो में ये होता है कि आप जो भी बोलेंगे वो वैसे तुरंत आपके टीवी पर आपको सुनाई देगा, तो हमको अपनी ज़बान पर बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है। ये भी देखना पड़ता है कि जो हमारा लाइव शो का जो गेस्ट है वो ऐसा कुछ बात ना कह दे जिसका कोई डबल मीनिंग निकल आए या कोई ऐसा कोई गलत मीनिंग निकाल ले या जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। तो ये रहता है, ये मेरे एज अ होस्ट मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ऐसा ना होने दूँ और अगर ऐसा हो तो मैं उसे कैसे संभाल कर शो को आगे बढ़ाऊँ। लेकिन लाइव शो में सबसे ज़्यादा मज़ा ये होता है कि लाइव आपको ऑडियंस का रिएक्शन मिलता है और आपको इस खेल का मज़ा दुगना हो जाता है जब आप लाइव करते हैं। इस शो में एक शख्स गाड़ी भी है इनाम में, तो इस जो आज का इस संडे का था वो गाड़ी कौन जीतेगा? आज के संडे में ये गुजरात से दवियाल साहब है अमरीश, वो गुजरात के हैं, उन्होंने जीती है गाड़ी। अगले हफ्ते जब हम संडे में आएंगे अपना शो लेकर, यही एक नया एपिसोड लेकर, तो उस संडे को हम उनसे स्काइप पर बातचीत करेंगे। वो बहुत एक्साइटेड थे कि उन्होंने, और गुजराती में बात कर रहे थे जो थोड़ी बहुत मुझे नहीं समझ आई, मैं गुजराती समझ लेती बोल नहीं पाती, तो बहुत एक्साइटेड है। तो मैं वेट कर रही हूँ कि जब अगले संडे स्काइप पर कॉल करेंगे तो वो कैसे एक्साइटेड होकर बातचीत करेंगे। और ऐसे ही कितने लोगों को हमने बहुत खुश किया है हर हफ्ते एक ब्रांड न्यू गाड़ी देकर।